आज हम हिंदी कनक हिंदी पाठ माला का लेसन नंबर 8 है, आज हम उसको पढ़ेंगे। और पाठ का क्या नाम है? लेसन नंबर 8 हमसे सब कहते हैं। तो इस कविता में बच्चे जो है वो कविता के माध्यम से अपने मन की बात बता रहे हैं कि बच्चों को हमेशा बड़े लोग डांटते रहते हैं, तो इसलिए वो बच्चे बता रहे हैं नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। बच्चे बोल रहे हैं क्या कभी कोई सूरज को डांटता है कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता उठो चांदनी को ले जाओ। और क्या कोई कभी चांद चंद्रमा को बोलते हैं? क्या कोई चंद्रमा को कभी डांटता है कि यहाँ पर तुम अपनी रोशनी मत फैलाओ। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। क्या कोई हवा को कभी डांटता है कि खबरदार तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। क्या कोई कभी बादल से कहता है कि यहाँ पर बारिश मत करो। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भाग जाओ। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि फिर भैया हमेशा हमको क्यों ऐसा बोलते रहते हैं कि यहाँ मत आओ और यहाँ से भाग जाओ। अम्मा कहती है घर घर में खेल खिलौने मत फैलाओ। और माँ हमेशा बोलती है कि तुम पूरे घर में खेल खिलौने फैला देते हो, तो इन्हें यहाँ घर में फैलाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन है चार क्लास वाली। पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए। और पापा भी हमको क्या डांट लगाते हैं कि तुम लोग बाहर जाकर के खेलो और यहाँ अंदर आने की जरूरत नहीं है। हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट लगाए। और हमारे ऊपर ही सबका बस चलता है, मतलब कोई न कोई हमें हमेशा डांटता रहता है। तो ये आज हमने कविता पढ़ी।